नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीट्यूब न्यूज खबरें औरंगाबाद, यानी औरंगाबाद की खबरें। तो आइए आज के हमारे इस सेगमेंट में देखिए कुछ खास खबरें औरंगाबाद शहर और औरंगाबाद जिले की। हम हाजिर हैं आज औरंगाबाद से जुड़ी कुछ अलग, कुछ खास, अपनापन, जमीनी और दिलचस्प खबरों की इस बुलेटिन के साथ। बिहार में जातिगत जनगणना के वास्ते बना जातियों का कोड, कुल 216 जातियों की होगी जनगणना। एक्शन में औरंगाबाद पुलिस, लगातार दबोचे जा रहे अपराधी, कल और आज में दर्जनों गिरफ्तार, सामानों की बरामदगी और वाहनों से पेनाल्टी वसूली भी खास। बच्चों के दिल के लिए हुई प्रशासनिक दिलदारी, 3 बच्चे दिल के इलाज के लिए सरकारी खर्च पर गए अहमदाबाद। गांव-गांव में तैयार गेहूं की फसल को आग से बचा ले किसान, गर्म दिनों में बरते सावधानियां खास। पुरानी रंजिश का सितम, मारपीट के बाद एक ऑटो को किया गया आग के हवाले, पीड़ित पक्ष को लाखों का नुकसान। औरंगाबाद की सुंदरता और जल स्तर के लिए प्रसिद्ध रहा तेलिया पोखरा, ना रहा साफ ना रहा सुंदर, जानवर भी नहीं जाते पानी पीने इसका। लोगों की चाहत तेलिया पोखरा के हालात में लाया जाए सुधार, आप भी सुनिए जरा लोगों की बात। पोखरा बड़ी गंदा है, रहती है बहुत, यहाँ सर सफाई होना चाहिए, नगर पालिका सामने इसको ध्यान नहीं देती है, प्रशासन की कमी है। ये जो है ना तालाब है और इसमें 5-6 अपना भाई लोगों का मतलब ये बंटवारे है, तो उन लोगों के पर्पज से अपना हिस्सा वगैरह पता कि जो बंद हो गया वो बंद हो गया, इसको पहले मछली पालन होता था। अब उसके बाद उन लोग का आपसी कुछ विवाद है, अपने अपने में विवाद के चलते ऐसे ये खाली पड़ा है तालाब, और उसके बाद में इसमें पानी का बदलाव होता नहीं है, तो बगल बगल के कचरा सब लोग इसी में डालना चालू कर दिए, गंदगी बढ़ गई। उमगेश्वरी माता से मांगी हर मनोकामना होती है पूर्ण। उमगेश्वरी सचंडी महायज्ञ में उमगा पहाड़ पर भक्ति जागरण का हुआ आयोजन। मदनपुर की इन महिलाओं को सलाम, माई पैड माई राइट्स नामक नाबार्ड की योजना के तहत अब मदनपुर में महिलाओं सेनेटरी पैड बनाकर करेंगी अर्थोपार्जन। ताड़ी का व्यवसाय छोड़कर नीरा का उत्पादन करने वाले को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ताड़ के पेड़ से जो ताड़ की जगह पर आप जब नीरा का उत्पादन करिएगा तो आपको लाभ मिलेगा, और उसका लाभ उन्होंने लिया 40,892 परिवार के लोगों, और सब लोगों के लिए इन सब लोगों को फायदा शुरू हो गया। गांव की ताजा तस्वीर, इसकी आज की कड़ी में हम जिला मुख्यालय से करीब मौजूद रायपुरा गांव की ताजा तस्वीर लेकर आए हैं। इसी रायपुरा से सचंडी धाम स्थान है, पर गांव की जो ताजा तस्वीर है उनमें विकास का रंग फीका क्यों पड़ता है, इस सवाल का जवाब ढूंढना आपका भी काम है। तो आइए देखते हैं रायपुरा गांव की तस्वीर। अब हमें दीजिए इजाजत और हर दिन देखना ना भूलें औरंगाबाद से जुड़े कुछ अलग, कुछ खास न्यूज का बुलेटिन खबरें औरंगाबाद।